अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेगमेंट मास्टर की सुवर्ण अक्षर MKSA मार्च 2019 से इस प्रयत्न की शुरुआत की गई। हजारों की संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं, लेकिन जब परिवार की संख्या 5 लाख के पार होने वाली हो कुछ हजार के बाद, तो थोड़ा सा संशय रहता है कि कमी कहाँ पर रह गई। वो जो भी हो, अभी भी शनिदेव कुंभ राशि में गतिमान है। जब वो मीन राशि में आएंगे उसके बाद की जो परिस्थितियां बनेगी, जब देवगुरु भी 8 साल के लिए अतिचारी रहेंगे, युग परिवर्तन का ये समय जब अपनी पीक के ऊपर तेजी से जाता जाएगा, तब बहुत सारे लोगों के जीवन में ये प्रयोग की आवश्यकता पड़ने वाली है। अभी भी शायद कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा। चलिए, ट्रेडिशनल वे से बिल्कुल अलग है। अगर आपका एस्ट्रो दोस्त कह रहा है तो बात में कुछ तो दम होगा। अगर कुछ भी विश्वास ना हो तो प्रयत्न करके देखिए, मनी मैग्नेट बन जाएंगे। क्या पैसों को खींचने का मतलब आप चुंबक बन जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन ये प्रयोग आपके लिए, ये पहली बार मैं लैंडस्केप मोड में शूट कर रहा हूं और जरूरी है, क्योंकि जो क्रिया बतानी है, और पहली बार ये हो रहा है जब से यूट्यूब चैनल बना है कि खड़े खड़े ये वीडियो शूट हो रहा है। नहीं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये मई 2020 में भी जब क्रिया बताई गई थी, आई थिंक मई 2020 ही था जब सबसे पहली बार ये दोनों मनी मैग्नेट वाले प्रयोग बताए गए थे MKSA के ही सेगमेंट। पैसों को खींचने के लिए आप एक चुंबक की तरफ बन जाएंगे। जैसे वो नंबर वाला प्रयोग बताया था, जो लोग भी कर रहे हैं हर शनिवार को, जो लहसुन वाला प्रयोग जितने भी दर्शक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसके कारण आपको पैसे के रिलेटेड परेशानी आपकी कम हो जाती है, बाहर निकलने के रास्ते मिल जाते हैं। ये उससे एक चीज बढ़कर है। हर किसी को पता है कि हम जिस माध्यम से इस दुनिया में आए हैं, वो शरीर में वो जगह होती है नाभि, बेली बॉटम। माँ के पेट से जब बाहर निकलते हैं तो कॉर्ड को वहीं से कट किया जाता है। तो नाभि के ऊपर बहुत सारे लेख आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, ऑडियो भी सुने होंगे। लेकिन आज हम जो मनी मैग्नेट बिंदु की बात करते हैं, शरीर के आंतरिक ब्रह्मांड में एक बिंदु ऐसा होता है जिसे ब्रह्मांड बिंदु कहते हैं, यूनिवर्सल पॉइंट। और जब वो पॉइंट एक्टिवेट होने लगता है, तो जो भी चीज की आप अपेक्षा रखते हो, वो धीरे धीरे उसे आकर्षित करने लगता है। मैं चीज की बात कर रहा हूं, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। किसी व्यक्ति के लिए आपको फीलिंग्स हैं और आप कर रहे हो इसके लिए, ये ब्रह्मांड बिंदु काम नहीं करेगा। भौतिक चीज वस्तुओं की बात करें कि जिनकी भी आपकी घेलछा, आपकी अपेक्षा बहुत ही ज्यादा है कि ये मुझे चाहिए, तो पहले उसके लिए अब मैनिफेस्ट करने के बहुत सारे प्रयोग भी आप में से कई सारे दर्शक कर चुके होंगे, बहुत सी बार ट्राई कर चुके होंगे, और रिजल्ट क्या मिला मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों को शायद मिला होगा, लेकिन आग्नेय चक्र इनका खिला हुआ है, सहस्रार चक्र इनका डेवलप है, और मैनिफेस्टेशन करने का आपका तरीका कैसा है वो सब कुछ नहीं बताते, ऊपर ऊपर से आ जाते हैं। चलिए मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। खुद कीजिएगा 90 दिनों तक तो ये प्रयास कीजिए और देखिए कि बदलाव किस प्रकार से आना शुरू हुए हैं आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में। आपके जितने भी अपने हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और जितने सोशल मीडिया के माध्यम है वहां पे भी एक बार तो इसे शेयर जरूर से कर दीजिएगा। दो प्रयोग है। जो पहला प्रयोग है वो शायद जो उम्र दराज व्यक्ति है वो शायद ना कर पाए, तो इसीलिए उनके लिए दूसरा प्रयोग भी रहेगा। लेकिन दूसरा प्रयोग बैठ के करना है, वो भी मैं खड़े खड़े ही बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा सेटअप मुझे फिर चेंज करना पड़ेगा। तो पहला प्रयोग है, उसमें आपको कुबेर मुद्रा बनानी है। कुबेर मुद्रा के बारे में सबको पता होगा, ये लास्ट वाली दो उंगलियां बंद कर दीजिए और इंडेक्स फिंगर, सबसे बड़ी वाली उंगली या अंगूठे के साथ जोड़ दीजिए। इतनी इजी है कुबेर मुद्रा। और आपके कानों के आसपास इसे इस तरह से रख दीजिए, सिंपल इस प्रकार से इसे रख देना।
जनरली आपने कुबेर मुद्रा का प्रयोग जहां पे भी देखा होगा उसमें कहा होगा कि आसन मार के पद्मासन में बैठ जाइए या सुखासन में बैठ जाइए और जहां पे आपके नीज है वहां पे रखिए। यहाँ पे कुछ अलग है, ये जो आपके कान है उसके आसपास इस प्रकार से इस कुबेर मुद्रा को बना के आपको रख लेना, ठीक है। ये बना के रख ली, अब क्या करना है आपको ध्यान से देखिए। ये थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर देता हूं, ठीक है। ये कुबेर मुद्रा बन गई, ये अभी भी नहीं आ रहा, जस्ट अ मिनट, ओके अब शायद आएगा। क्रिया अच्छे से देख लीजिए कि क्या करना है। कुबेर मुद्रा आपने बना ली और खड़े हो जाइए कहीं पे भी, ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके करें ये प्रयोग तो ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से आपने कुबेर मुद्रा कर ली और फिर सीधा खड़े हो जाइए और वहीं से उठक बैठक जिस प्रकार से करते हैं इस प्रकार से नीचे जाना है। आधी सीटिंग आपको करनी है, फिर सीधे ऊपर हो जाइए। इस प्रकार से बैंड होके नहीं करना है, आप समझ लीजिए कई लोग इस प्रकार से जाएंगे, ये जितना कम बैंड हो इतना ज्यादा अच्छा है। जितना हो सके सीधा ही जाने की कोशिश कीजिए, वापिस ऊपर आइए, कुबेर मुद्रा बनी रहनी चाहिए। ये शायद कैमरा एंगल थोड़ा सा बैंड है तो आपको इस प्रकार से लग रहा होगा। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, जबरदस्त प्रेशर आएगा आपके ऊपर। अरे बाप रे, ये लोचा हो गया। स्टैंड थोड़ा सा वीक हुआ है, ठहरिए, चलिए अब ठीक है। तो ये क्रिया आपको 21 बार करनी है या फिर उससे ज्यादा, 21 बार से ज्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि जब ये क्रिया आप करेंगे तो घुटनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आएगा। और जिस ब्रह्मांड बिंदु की मैं बात कर रहा हूं, जो नाभि के एग्जैक्ट पीछे की साइड पे होता है, स्पाइनल कोड के आसपास, स्पाइनल कोड में ही कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वहां पे प्रेशर पड़ेगा। ये जो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी है कुबेर मुद्रा के साथ हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वो एनर्जी हीट जहां पे होती है ब्रह्मांड बिंदु यूनिवर्सल पॉइंट एक्टिवेट होने लगता है। और जिसके भी आंतरिक ब्रह्मांड में यूनिवर्सल पॉइंट एक्टिवेट हो गया वो फिर जिस भी भौतिक चीज वस्तुओं की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही गंभीरता से करता है, जो भी मैनिफेस्टेशन आप जिस भी तरीके से करते हो तो बहुत ही तेजी से आप देखोगे कि परिस्थितियां उसके अनुरूप बनना शुरू हो जाती है। एक दिन में नहीं होता, लेकिन करके देखिए, हमारे प्राचीनतम शास्त्रों की ताकत क्या थी उसका अनुभव तो करके देखिए। तो ये पहला प्रयोग रहा है, 24 घंटों का एक प्रयोग है, मास्टर की के स्वरूप में करना चाहे, अदरवाइज मैनिफेस्टेशन करना चाहे, मनी मैग्नेट बनना चाहे, तो ये प्रयोग नित्य रूप से कम 90 दिनों तक तो कीजिए। अब 21 बार करना है, कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के एक घंटे के तक मत कीजिएगा। आपने भरपेट नाश्ता किया है या खाना खाया है तो एक घंटे तक ये प्रयोग मत कीजिएगा, और 21 बार डेली करना शुरू कर दीजिए। अब जो भी उम्र दराज व्यक्ति होंगे उनके लिए, तो पैरों में जिनकी तकलीफ है वो ये नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए ये दूसरा प्रयोग है। ये बैठे बैठे करना है, लेकिन मुझे फिर पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं खड़े खड़े ही बता देता हूं। अब ये जो दूसरा प्रयोग है ये बैठे बैठे करना है। अब कई लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं, सर हम दोनों नहीं कर सकते, हमारे लिए तो ये भी पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है। तो भैया दोनों कर सकते हैं, पहला जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, दूसरा है वो 10% कम रेट पे काम करेगा, जो अब मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि ये बैठे बैठे कर रहे हैं, सीधा बैठिए, आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए और आपको कमल मुद्रा बनानी है। अब कमल मुद्रा किस प्रकार से बनती है, भाई बहुत ही इजी है, देख लीजिए, ये इस प्रकार से जोड़ लीजिए सिंपल, और अंगूठों को इस प्रकार से रख दीजिए, ये सारी उंगलियां बंद कर दी और ये बन गई कमल मुद्रा, ठीक है, दिख रहा है। ये ऐसे खुले नहीं रखना है, इस प्रकार से जोड़ देना है, तो ये बन गई आपकी कमल मुद्रा। अब सहस्रार चक्र के ऊपर तक इसे ले जाइए, यहां पे एक बार रख दीजिए, बैठे बैठे करना है, आपकी बैकबोन रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ठीक है। तो 2-3 बार सांस लेके छोड़िए आराम से, यहां पे ये रख दीजिए कमल मुद्रा, 2-3 बार सांस शांति से लीजिए, छोड़िए, फिर एक गहरी सांस लेके थोड़ी देर रुके रहिए स्टार्ट करने के से पहले,
और फिर सांस छोड़ते समय इसे नीचे लाइए, और कहां तक नीचे लाना है? नाभि तक। अब क्या होगा, जब नाभि तक लाएंगे ना, तो ये नीचे आते आते ऊपर गई थी तब तो ये मुद्रा इस प्रकार की थी, लेकिन जैसे ही नीचे आएगी नाभि तक तो ये इस प्रकार से हो जाएगी। यहां पे आप हाथ सीधा नहीं रख पाएंगे तो ये मुद्रा इस प्रकार से हो जाएगी। वापिस हाथ ऊपर ले जब सर के ऊपर तक, तब आपको सांस भरनी है, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, सांस भरनी है और वापिस जब आए, जस्ट अ मिनट मैं निकाल देता हूं इसे, बात समझ में आई। जब ऊपर तक आप जाएंगे तो सांस भरनी है, कमल मुद्रा नीचे लाएंगे, अभी अभी मैंने आपको दिखाया, तो हाथ आपका मुड़ जाएगा, नाभि तक लाना है तब तक सांस छोड़ते हुए नीचे लाइए, वापिस जाइए तो सांस ले लीजिए और वापिस नीचे आइए सांस छोड़ते समय। ये बैठे बैठे करनी है, आपकी बैकबोन सीधी होनी चाहिए, इससे भी यूनिवर्सल पॉइंट पे हिट होता है, एनर्जी उसको मिलती है। ये भी आप कम से कम 21 बार कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस आप चाहे तो 31 बार या फिर 51 बार भी दिन में एक बार कर सकते हैं। खाना खाने के कम एक घंटे तक इन प्रयोगों को नहीं करना चाहिए, जो भी उम्रदराज व्यक्ति है उनके लिए ये पार्ट टू की एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब क्योंकि स्पेशल प्रयोग है तो कल के दिन में कोई सुवर्ण अक्षर नहीं होगा, पुराना सुवर्ण अक्षर ही आपको कंटिन्यू करना है। और ब्लास्टिंग बर्थडे और एनिवर्सरी, किसी भी साल में 6 अगस्त आपका जन्मदिन है, अदरवाइज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो प्रयोग एक पॉजिटिविटी पूरे साल के लिए, बर्थडे है तो खुद कीजिए, मैरिज एनिवर्सरी है तो दोनों कीजिए। मनी मैग्नेट का प्रयोग एक साल के लिए अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, कोई भी कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैंने इसके चमत्कारिक परिणाम देखे हैं, और फिर मैं आपको इतने आत्मविश्वास से कह रहा हूँ कि जुड़े रहिए, हमारी प्राचीनतम संस्कृति की धरोहर क्या थी, हम किन प्रवृत्तियों को भूल चुके हैं उसका अनुभव करके तो देखिए, 90 दिन तो जुड़े रहिए, उसके बाद इस प्रक्रिया को या इस प्रयोग को आप जीवन भर के लिए कभी भी भूलेंगे नहीं, कहीं पे भी कर सकते हैं आसानी से, जरूर से कीजिएगा। सिर्फ अपने तक वीडियो मत रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके जितने अपने हैं उन तक तो आप पहुंचा ही देंगे, और सोशल मीडिया के माध्यम है वहां पे भी शेयर अवश्य से कीजिए। रूपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद तीन ऑप्शन आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110, 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए, अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जय हिंद।